शिश्न की या लिंग की साइज जो है या लेंथ जो है, आकार या लंबाई, वो छोटी है करके मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं और वो कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनी तकनीक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये लोग जो मेरे पास में लड़के लोग जाते हैं, वो इसलिए आते रहते हैं कि एक तो उन्होंने बहुत हस्तमैथुन किया, या उनका सपने में बहुत वीर्य निकल गया, या वैसे ही बहुत पानी निकल गया कोई लड़की के साथ में बैठ के बातचीत करने के बाद, या उन्होंने बहुत सेक्स कर लिया है उसके वजह से। ऐसा कोई कारण रहता है कि जिसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनका लिंग जो है ना वो छोटा हो गया, वो कमजोर हो गया, उसका साइज छोटा हो गया, और अभी उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि वो अंदर अंदर जा रहा है, अंदर खींचे जा रहा है, उसका उसकी लंबाई जो है छोटी है, और फिर उनको डर लगता है कि अभी ये शादी के बाद में अपने पत्नी को वो खुश नहीं कर पाएंगे, वो सेक्स नहीं कर पाएंगे, और वो डर के मारे फिर घूमते रहते हैं। अखबार में काफ़ी सारे विज्ञापन आते हैं जिसमें लिखा है कि भाई लिंग का आकार बड़ा करने का है तो ये पंप लो, वो पंप लो, ये मशीन है, वो मशीन है, ये दवाई है। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो लिंग का आकार बड़ा कर देगी या लंबाई बढ़ाएगी, ऐसी कोई दवाई नहीं रहती है। हाँ, कभी वो जो वैक्यूम पंप है, वो वैक्यूम पंप से हम उसको थोड़ा सा ऐसा एहसास दिला सकते हैं उसका इस्तेमाल करके कि देख भाई वैक्यूम पंप से आकार बढ़ सकता है, मगर वो टेम्पररी है। जब वैक्यूम पंप लगाते हैं तो वैसा आकार या लंबाई बढ़ाना मुश्किल है और वैसा होता भी नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक इंच से यदि कम लंबाई होगी तो शिश्न जो है वो छोटा है। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई कम है क्या एक इंच से? नहीं, बोले एक इंच से कम नहीं, वो तो लंबा है, एक इंच से ज़्यादा है। और वो तो जब लड़की के साथ में जाते हैं या कभी जब कठोर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो एक इंच से यदि बड़ा है तो इसका मतलब वो छोटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में उनको ये भी मैं बोलता हूँ कि आपको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आए हुए हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मूछ आई है, दाढ़ी आई है, बाकी जगह बाल आए हुए हैं, तो इसका मतलब आप पुरुष है, सेक्स आपको बराबर डेवलप हुआ है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपके बड़े हुए हैं, मतलब डेवलप हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप मत जाओ, अखबार में आते हुए विज्ञापन के पीछे मत जाओ, कोई मशीन कोई दवाई मत लेना। एक इंच से छोटा है तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली फिर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है क्या, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी सेक्स डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, एक्चुअली उसको सीमेन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीमेन में स्पर्म्स है कि नहीं है, मूछ या दाढ़ी नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई उसको प्रॉब्लम क्या है, और एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है क्या, टेस्टिकल डेवलप हुए है क्या, और मतलब हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई देखने की जरूरत नहीं रहती है। एक इंच से यदि कम लंबाई होंगी तो इसका मतलब वो साइज छोटा है और लिंग ऐसा कोई बड़ा करने का नहीं है कार्यक्रम। लिंग टेढ़ा है करके काफ़ी लोग आते हैं कि लिंग टेढ़ा है, बाएं तरफ झुका हुआ है, दाहिने तरफ झुका हुआ है, वो देख के हम देखते हैं कि भाई इसको प्रॉब्लम है क्या, मतलब फाइब्रोसिस हो चुका है, और फाइब्रोसिस हो चुका है करके टेढ़ा हो चुका है क्या, तो वो फाइब्रोसिस छोटा कट देके निकालना पड़ेगा। मगर मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑपरेशन के झंझट में मत पड़ो। सेक्स करने में प्रॉब्लम है क्या? लोग बोलते नहीं, सेक्स करने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, फिर मत करो ऑपरेशन, काय करते हो ऑपरेशन, थोड़ा टेढ़ा है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सेक्स करने में प्रॉब्लम आता ही नहीं, मतलब बहुत ही टेढ़ा है कि जिससे अभी सेक्स कर नहीं सकते, तो फिर ऑपरेशन करके वो जो फाइब्रोसिस हुआ है वो निकालना पड़ेगा, लिंग स्ट्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इधर उधर झुका हुआ है तो उसका कोई मायना नहीं है और उसमें कोई चिंता का कारण नहीं है। लंबाई में मैंने बोला कि एक इंच से यदि बड़ा है तो वो बड़ा है, लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना हस्तमैथुन से प्रॉब्लम होता है, ना सपने में वीर्य जाने से प्रॉब्लम होता है, ना बहुत ज़्यादा सेक्स करने से प्रॉब्लम होता है, ना शौच करने के समय मतलब लैट्रिन करने के समय वीर्य गया उससे प्रॉब्लम है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी कारण से वीर्य जाता है तो कोई लिंग का आकार या लंबाई कम होती नहीं है, जो है वो नॉर्मल है। ऐसा आपको कभी लगता है तो आपने एक्सपर्ट के पास में जाके देख लेना चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए कि भाई लंबाई बराबर है क्या, और बोलते लंबाई बराबर है तो बिन फिक्र रहना चाहिए, लंबाई बढ़ाने के चक्कर में रहना नहीं है। कुछ ऐसे अभी मतलब ये आए हुए इक्विपमेंट्स आए हुए हैं कि भाई पेनाइल इम्प्लांट्स है कि जो पेनिस में डालते हैं, एक छोटी सर्जरी करते हैं और छोटी सर्जरी करके पेनाइल इम्प्लांट पेनिस में डालते हैं जिससे हरदम के लिए लिंग का आकार बड़ा रहता है, वो छोटा होता ही नहीं, और वो सेक्स करने के लिए फिर वो काम में आता है, मतलब 2400 घंटे वो कड़क रहेगा इम्प्लांट की वजह से, वो कभी छोटा होगा ही नहीं, और वो ऑपरेशन करके इम्प्लांट डालना पड़ता है, वो देशी विदेशी इम्प्लांट अलग अलग है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है और वो करने की वैसी जरूरत होती नहीं है। सेक्स एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग। काफ़ी लोगों में अंधश्रद्धा है, उनको एजुकेशन नहीं है, उनके दिमाग में अलग अलग भ्रम बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे और उनकी बीमारियाँ ये वीडियो देखने के वजह से कम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग में हम लोगों को सलाह देते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कोई दवा की जरूरत है दवाई देते हैं, और यहाँ लोगों को काम पड़ा तो यहाँ बुलाते हैं, उनकी डॉपलर टेस्ट है या फिर और कुछ टेस्ट है, वैक्यूम पंप से ट्रीटमेंट करना है, जो भी करना है वो करते रहते हैं, वो तो करेंगे। कोई दवा का काम पड़ा दवा करते हैं या फिर काउंसलिंग करते हैं। अक्सर मैं हस्बैंड वाइफ को बुलाता हूँ ताकि उनका काउंसलिंग अच्छा हो जाता है। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।